वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 को करेंगे, 3D ज्योमेट्री के, विच इज बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला पर हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है मेरे पास, इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, 3, 5 एंड 1, -4, 6 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली, सेकेंड इज 2:3 एक्सटर्नली। ठीक है, दोनों केस पर हमको फाइंड करना है, तो दोनों का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, तो फिर से देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमको क्या फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है, जो क्या कर रहा है पहले इंटरनली के केस पर, है ना। तो इंटरनली में ये पॉइंट है मेरे पास, पी एक्स वाई जेड है मेरे पास, हम ले लिए पी एक्स वाई जेड विद द रिक्वायर्ड पॉइंट, जो हमको फाइंड करना है। फर्स्ट केस देखते हैं 2:3 इंटरनली के लिए। तो इंटरनली के लिए ये तो x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। ठीक है, तो ये जो a का पॉइंट है -2, 3, 5, ये x1 y1 और ये z1, b का पॉइंट जो है यहाँ पर 1, -4, 6, ये क्या है x2 y2 और z2, और m रेशियो n यानी m = 2, n = 3। तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या होता है इंटरनली के केस पर, होता है फॉर्मूला मेरे पास xyz होता है, दैट इज इक्वल टू mx2 + nx1 / m + n, और ये y का जो आएगा my2 + ny1 / m + n, जेड का आ जाता है mz2 + nz1 / m + n। ठीक है, सेपरेट करते हैं, एक्स का वैल्यू ये है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया mx2 + nx1 / m + n। आप वैल्यू पुटअप कर देंगे, m का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर, x2 का वैल्यू कितना है 1 है, तो (2, 1) हो गया प्लस nx1, n का वैल्यू मेरे पास कितना है 3, और x1 है मेरे पास -2, तो इसको भी पुटअप कर दिए, तो ये मेरे पास कितना आ गया 2 - 6/5, दैट इज इक्वल टू -4/5। तो x का पॉइंट हो गया मेरे पास -4/5। उसी तरह से y का भी देखते हैं, y का क्या है my2 + ny1 / m + n, तो m का वैल्यू तो 2 है, और y2 क्या है, y2 है यहाँ पर -4, तो -4 इंटू करेंगे प्लस n 3 है, और y1 क्या है, y1 है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये क्या हो गया -8 + 9, कितना हो गया ये 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में 5 है 2 + 3, तो 1/5 ये हो गया। उसी तरह से z का पॉइंट हो जाएगा mz2 + nz1 / m + n, वैल्यू पुटअप किए उसी तरह से m का, z2 का, n का, z1 का, और ये m और n का वैल्यू पुटअप कर दिया, तो कितना आ गया कैलकुलेट करके 27/5। तो ये सब जो रिक्वायर्ड पॉइंट है मेरे पास, जो उसको क्या कर रहा है इंटरनली 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा xyz -4/5, ठीक है 1/5, और ये 27/5 इंटरनली में। अब एक्सटर्नली में देखते हैं, ठीक है, एक्सटर्नली में क्या है मेरे पास, एक्सटर्नली है यहाँ पर 2:3 एक्सटर्नली दिया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n। तो पी एक्स वाई जेड क्या होता है इसमें एक्सटर्नली में mx2 - nx1 / m - n, my2 - ny1 / m - n, mz2 - nz1 / m - n। ठीक है, ये एक्सटर्नली का केस पर है, तो यहाँ पर इसको भी सेपरेट करते हैं, x इक्वल टू क्या हो गया mx2 - nx1 / m - n, वैल्यू पुट अप किए इसमें भी m का x2 का माइनस ये क्या हो गया n और x1 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये m - n, m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, बस वैल्यू पुटअप करके सॉल्व किए तो कितना आ गया -8। ठीक है, उसी तरह से y को भी सेपरेट करेंगे, y क्या है my2 - ny1 / m - n, तो वैल्यू पुटअप कर दिए, वैल्यू तो मेरे पास ये सब गिवेन है ना, इसी वैल्यू को हम पुटअप किए हैं, ये जो पॉइंट्स है x1 y1 z1 x2 y2 z2, और ये m और n दोनों के लिए यही पॉइंट्स है। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करके यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है इसमें y का वैल्यू 17। उसी तरह से z का हो गया मेरे पास, z क्या है mz2 - nz1 / m - n, वैल्यू इसमें पुटअप किया तो आ गया 3। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड पॉइंट जो है 2:3 एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा -8, 17, और ये 3, यानी इंटरनली में क्या आ रहा पॉइंट, इंटरनली में सेम पॉइंट पर और सेम रेशियो रहेगा, तो इंटरनली में क्या हो रहा है -4/5, 1/5, 27/5, और यही अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा -8, 17, और ये 3। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखते हैं सेकेंड जो है क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ, इसमें गिवेन दैट ये P पॉइंट दिया, और ये Q पॉइंट दिया, और ये R पॉइंट दिया, और कॉलिनियर, कॉलिनियर मतलब क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एकदम सीधा लाइन पर जाएगा, एक ही लाइन पर ये सब पॉइंट्स है। फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर, ये जो क्यू जो है इसको पी आर को डिवाइड कर रहा है, कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
2:3, 3:5 इस तरह से कुछ हो सकता है ना। तो इस केस पर हम क्या लेते हैं, K:1 हम लेट कर लिए, ठीक है, K:1। तो इसका जो रेशियो आएगा वही डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट क्यू डिवाइड्स पी आर इन K:1, ये हो गया। तो एक्स वाई जेड का पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरे पास इंटरनली है, तो MX2+NX1/M+1, एक्स का पॉइंट, वाई का हो जाएगा यहाँ पर MY2+NY1/M+N, जेड का पॉइंट MZ2+NY1/M+N, ठीक है। विच इज मेरे पास पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, 5, 4, -6, ये दिया हुआ ना, एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड का ही पॉइंट मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, हमको रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का सेपरेट करते हैं, एक्स का ये हो गया ना, ठीक है, तो एक्स का ये हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू भी पुटअप कर देते हैं, तो एक्स का क्या हो जाएगा, MX2, मीन्स क्या हो गया, ये इधर से ये मल्टीप्लाई होता है और इधर से ये मल्टीप्लाई होता है, यही ना, ठीक है। तो MX2 क्या हो गया, M के प्लेस पर ये है X2 मेरे पास 9 है, तो इसीलिए क्या आ गया, 9 के हो गया, प्लस क्या होता है, NX1 होगा, ठीक है, 1 × 3 होगा, तो 3 × 1 लिखे बाई K+1, तो ये क्या हो गया, 9K+3/K+1, दैट इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये K+1 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 9K+3 = 5 × K+1, दैट इज इक्वल टू 5K+5, ये इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 9K, ये 5K इधर आ गया, -5K = 5 - 3, 2 हो गया, तो 4K = कितना आ गया 2, तो K = कितना हो गया 2/4, तो K = 1/2, तो K:1 = 1/2, तो K:1 = क्या हो गया 1:2, हैंस रेशियो = क्या आ गया 1:2, ठीक है। तो इस तरह से हम रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप सॉल्व करने की कोशिश करें, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, पहले इतना क्लियर कर ले पहले, ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली और रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। तो उससे रिलेटेड दो सम्स दिए, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ये मेरे पास फर्स्ट दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है, इन द रेशियो, रेशियो दिया हुआ है मेरे पास, ए पॉइंट बी पॉइंट मान लेते दिया हुआ है, ठीक है, और ये एम और एन दिया हुआ है ना, तो हमको मान लेते बीच में कोई पॉइंट पी ले लेते हैं या एक्स ले लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को किए हैं, 1 को डील किए हैं, ये जो इंटरनली है इसी के तरह बनेगा ये, ठीक है, इस तरह से एक्स वाई जेड ले लेंगे और सेम टू सेम बनेगा, इसी तरह से आप इसको सॉल्व करें इंटरनली में, फिर एक्सटर्नली में सेम टू सेम, इसका एक्सटर्नली जैसे हम बनाए हैं इसी तरह से बनेगा ये, ठीक है, तो सेम टू सेम पॉइंट आप ले सकते हैं एक्स वाई जेड भी और इसको फाइंड करें। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन दैट ये पॉइंट है, ए है, बी है और ये सी है, आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, बी जो है ए सी को डिवाइड कर रहा है, मतलब बी जो है बीच में है, लाइन के बीच दोनों के अंदर में है कहीं पर, ठीक है, एकदम सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 है NCERT का उसी तरह से है, यहाँ पर बी पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर सी होगा, ठीक है, और ये सब एक्स वाई जेड हो जाएगा, यानी ए का पॉइंट जो होगा ये जो हो जाएगा ये X1Y1Z1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा X2Y2Z2 और ये XYZ, ठीक है, इस तरह से आएगा। और रेशियो को क्या ले लेंगे, K:1, और इसमें भी हमको रेशियो ही फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 को भी सॉल्व करें, ठीक है, और हमें कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।